नमस्कार, आज का विषय दोस्तों होने वाला है हील पेन। आपको है तो प्लीज एंड तक जुड़ना, और आपको नहीं है तो भी एंड तक जुड़ना। कारण क्या है, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे बंदे में देखने को मिल रहा है। मेरे पास ही बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं सिर्फ इस हील पेन को लेकर कि इसका इलाज अगर हो जाए तो क्या है ये हील पेन, इसके कारण तो बहुत है। कारणों पर बात नहीं करेंगे, सीधा चल लेते हैं सॉल्यूशन पे। आयुर्वेद में दोस्तों इसे बोला है स्वेद साध्य व्याधि। नाम बहुत बड़ा है, काम बहुत ही छोटा है। मैं समझाती हूँ क्या है इस वर्ड का मतलब और करना क्या होगा। स्वेद मतलब स्वेट, मतलब पसीना। साध्य मतलब क्योर, मतलब इलाज। व्याधि मतलब बीमारी। तो अब इन तीनों वर्ड से जोड़ के क्या समझ आया कि आपकी बीमारी का जो इलाज है, अगर आपने वहाँ पे पसीना ला दिया तो आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। अब पसीना कैसे लाएगा, बहुत ज़्यादा भागे जब पसीना आएगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ये नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि आपकी हील में जहाँ भी दर्द है, आप वहाँ पे कोई भी तेल लगा लीजिए। दर्द का तेल हो तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर नहीं है तो सरसों का तेल, तिल का तेल लगा लीजिए। कोई भी तेल में मिट्टी का तेल मत सुन जाना गुरु, वो नहीं मैं बोल रही हूँ। कोई भी ऐसा तेल रखा है उसे हील पे अप्लाई कर लो। कर लिया उसके बाद में अब पसीना वहाँ पे लाना है तो क्या आप वहाँ पे स्टीम लगवा दो। आप कोई सोचेगा कि स्टीमर लाना पड़ेगा, बहुत खर्चे का काम है। रखा है तो ठीक, नहीं रखा है तो क्या करना है, आपकी हल्दी होती है, आपको हल्दी को जलाना है और उसका धुआं दूर से लगवाना है, टच नहीं करना है। वो हमारा काम है, आपको दूर से ही धुआं लगवाना है, उससे आराम हो जाएगा। अगर आप हल्दी भी नहीं रखी है तो क्या कर लें, तो क्या करना है, कोई सूती कपड़ा रखा है, कॉटन क्लोथ, उसको आप बांध लीजिए। अंदर पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद उसको खोल लेना है। इस तरीके आपको पसीना अपने हील पे लाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिमाग में आ रहा होगा कि कितने दिन ये करना होगा, तो सिर्फ 7 से 21 दिन आप इसको घर पे रह के कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा काम है। आप 7 से 21 दिन, दिन में एक बार ही इसको कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको इससे ही आराम हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए अग्निकर्म रहता है, 4 से 5 सेकंड में बिल्कुल सही हो जाता है आपका दर्द। धन्यवाद।